Good morning, everyone. Welcome to the third lecture of Principles of Management. In the previous lecture, we discussed about the planning process. Here, we will discuss about the organizing principle of the Principles of Management. Coming to organizing, organizing is a function in which the synchronization and combination of three factors, that is human, physical, and financial resources, takes place. इसमें तीनों resources को synergy में काम करा के देख एक results achieve किए जाते हैं. Therefore, organizational function helps in achievement of results, which in fact is important for the functioning of a particular concern. According to Chester Bernard, organizing is a function by which the concerned is able to define the role positions, the jobs related, and the coordination between authority and responsibility. Hence, जो उसमें manager हम appoint करते हैं, it's his responsibility to always has to organize in order to get results. इनका मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजिंग का एज पर चेस्टर बर्नार्ड कि देर हैज टू बी अ पर्सन जिसको मैनेजर बोलते हैं जिनका काम होगा कि क्या चीज़ें करनी है किस तरीके से करनी है उसको आप ऑर्गेनाइज करो एक रोल डिफाइन करना है बेसिकली जितने फैक्टर्स हमारे कंसर्न्ड है इस चीज़ में अगर आपको रिजल्ट अचीव करना है इन द डिफाइंड टाइम एंड हाउ डू वी डू इट पहला अपनी एक्टिविटीज़ को आप आइडेंटिफाई करोगे ऑल द एक्टिविटीज विच हैव टू बी परफॉर्म्ड इन अ कंसर्न हैव टू बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रेपरेशन करना है किसी अकाउंट्स का सेल्स का करना है तो आप सेल्स का जो रिपोर्ट है वो बनाओगे रिकॉर्ड कीपिंग करोगे क्वालिटी कंट्रोल का चेक करोगे इन्वेंट्री कंट्रोल का चेक करोगे सारी एक्टिविटीज़ को आप ग्रुप करोगे और क्लासिफाई करोगे एक यूनिट में राइट तो ये सारी हमने एक्टिविटीज़ बताई उसके बाद इनका डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा पहला आपने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर दिया देन वी हैव टू डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज इट राइट सो सेकेंड स्टेप में The manager tries to combine and group the similar, जो एक जैसी दिखने वाली activities हैं या जिनका function एक होता है उनको आप एक department में या फिर एक unit में combine करते हो right? क्यों क्योंकि एक whole concern को आप एक साथ नहीं ले सकते आप as an independent unit. आप एक एक जैसे काम करने वाली जो units होती हैं जिनका काम almost similar होता है उनको आप departmentalize करते हो तो इसको कहते हैं departmentalization. The third is classifying the authority. Okay? So once the departments are made, the manager likes to classify the powers and the extent of the managers. एक बार आपका departments finalize हो जाते हैं तो जो manager होता है वो अपनी powers को या जिन जिन को दिया जाता है उनको powers बताता है उनकी responsibility and authority के powers और बताता है कि कहाँ तक किसी manager की एक limit है उस power को exercise करने की. This activity of giving a rank in order to the managerial positions is called hierarchy. हम देखते हैं ना किसी भी organization में स्कूल में या कहीं भी एनीवेयर एक हायरार्की होती है देयर इज़ अ टॉप बॉस उसके नीचे कुछ लोग होते हैं उनके नीचे कुछ लोग होते हैं तो यहाँ पे व्हेन वी हैव टू क्लासिफाई वहाँ पे आप अथॉरिटी क्लासिफाई करते हो तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसका काम होता है जो पॉलिसीज है उनका फॉर्मुलेशन राइट जो पॉलिसीज होंगी उनको फॉर्मुलेट कौन करेगा द हायर टॉप हायरार्की तो मिडिल लेवल का जो काम होता है उनका काम होता है सुपरविजन का ओके एंड जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है उनका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन का जो आपने पॉलिसीज फॉर्मेशन किया है उसको सुपरवाइज करने का काम मिडिल लेवल का और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम लोअर लेवल का एज इन जो वर्कर्स और जो एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं उनका द क्लैरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन द रनिंग ऑफ अ कंसर्न ओके दिस हेल्प्स इन अचीविंग एफिशिएंसी इन द रनिंग ऑफ अ कंसर्न एंड दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज किसका टाइम का पैसे का एफर्ट्स का राइट और ये देखना कि कोई काम ओवरलैप तो नहीं हो रहा कोई काम की डुप्लीसिटी तो नहीं हो रही कोई काम अगर आपने कर लिया दोबारा से वो काम तो नहीं हो रहा राइट तो उससे क्या होगा कि आपको स्मूथनेस आएगी काम में और आपकी जो एफिशिएंसी है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होके हमको आपके एंड रिजल्ट्स मिल जाएंगे देन वी हैव कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश करते हैं ग्रुप्स का उसको ना इंटरेक्शन काफ़ी स्मूथ होना चाहिए कि अचीव आपने क्या करना है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है उसके बीच में जो आपके रिलेशनशिप है काफ़ी कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए तो जितने भी ईच इंडिविजुअल जितने भी यहाँ काम कर रहे हैं दे आर मेड अवेयर ऑफ उनकी अथॉरिटी सो एवरी इंडिविजुअल हैज़ बीन मेड अवेयर और हैज़ टू बी मेड अवेयर ऑफ देयर अथॉरिटी कि उनको किसको रिपोर्ट करना है और उन्हें कौन रिपोर्ट करेगा अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है राइट कोई अथॉरिटी किसी के पास होगी और कोई किसी को अथॉरिटी को रिपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो एकदम आपका स्ट्रक्चर इट्स क्लियर एंड विविड वहाँ पे
प्रॉपर तरीके से काम चलता है और सारे एम्प्लॉयज़ उस तरीके से उससे अवेयर होते हैं, तो उससे क्या होता है, वही जो हमने पहले बताया था, मिनिमाइजेशन कम होता है और आउटपुट का आपका मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन की? पहला है स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इट्स अ नेटवर्क, राइट? तो उसमें क्या होता है कि वर्क जो होता है डिफाइंड होता है यूनिट्स में, डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, कहीं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके हेड्स होते हैं, राइट? तो उनका काम क्या होता है, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, इसलिए इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़। देन ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, आपका स्ट्रक्चर को वेल डिफाइन करने के लिए, किस आदमी को आपने कहाँ लगाना है, पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब, विच कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये कैसे होगा, जो हमने पहले बताया था, स्टाफिंग इससे पहले हमने कर लिया था ना, हमने क्या करना है, पहला हमने क्या डिसाइड किया था, प्लानिंग, देन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमें देखना है कि किस आदमी को या किस एम्प्लॉय को कहाँ पर फिट करना है, विच विल, जो हम आगे देखेंगे कि आगे स्लाइड्स में या फिर आगे लेक्चर में, कि क्लासिफिकेशन में आप डिसाइड करते हो, यू एक्चुअली सिलेक्ट अ पर्सन टू वर्क फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और उसकी स्किल के अकॉर्डिंग, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें वहाँ पे फिट करते हो। थर्ड इज क्लेरिफाइज अथॉरिटी। अगर स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड है तो आपकी जो रोल है, जो रोल दे रखा है आपने मैनेजर्स को, या फिर जो उनके अंडर काम करेंगे, जो उनके ऊपर काम करेंगे, उनके अगर रोल डिफाइंड है तो उससे क्लैरिटी आती है, राइट? क्लैरिटी आएगी काम करने में, कि हर मैनेजर को पता होगा कि उसको क्या एक्सरसाइज करानी है अपने सबऑर्डिनेट से, और अपने सुपीरियर्स को उसे कैसे रिपोर्ट करना है। फिर वही वाली बात, कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कोऑर्डिनेटर हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था, वी टॉक अबाउट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इज हेल्पफुल इन डिफाइनिंग वेरियस जॉब पोजिशंस, ठीक है, राइट? अब रोल्स क्या होते हैं, आपने क्या रोल किसको परफॉर्म करना है, वो आपने स्पेशलाइजेशन में बता दिया, क्योंकि आपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी को आपने एम्प्लॉयबिलिटी के लिए चुना है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव रखना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रोल डिफाइन करने हैं प्रॉपर तरीके से, किसका क्या काम है बेसिकली। कोई और किसी के काम में इंटरफेरेंस अगर करेगा तो उससे प्रॉब्लम आएंगी, उससे आपका काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल सफ़र करती है, ओके? यहीं पे दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। किसी भी कंपनी की ग्रोथ, राइट, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हाउ एफिशिएंटली एंड स्मूथली अ कंसर्न वर्क्स। मतलब एक डिपार्टमेंट, कंसर्न को आप डिपार्टमेंट मान के चले यहाँ पे, कि एफिशिएंसी कैसे आएगी, अबाउट बाय क्लेरिफाइंग द रोल, जो हमने पहले बात की है कि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपर इफेक्टिव कैसे होगा और कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम होगा। वहीं पर डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि हर इंसान, अगर आप एक इंसान से बोलोगे कि ये भी कर लो वो भी कर लो, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग लोग होते हैं जिनको, वो उसी काम के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, ओके? यहाँ पे क्या होगा कि जो जो भी कोई एम्प्लॉई है, वो उसका अगर वेल डिफाइंड स्किल सेट है और वही वो काम करता है फॉर्मल तरीके से, तो आपका ग्रोथ होगा कंपनी में। इवन कंपनी का ग्रोथ अलग और जो इंडिविजुअल है उसके डेवलपमेंट अलग से, ठीक है? इसी से सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, किसको, जो काम कर रहा है उसे पता है कि अगर वो कोई काम कर रहा है और वो पर्टिकुलर स्किल सेट का है, तो उसके दिमाग में ये बात रहेगी कि मेरा ये स्किल सेट बाकी किसी को उतना अच्छे से नहीं आता जितना मुझे आता है। तो उसकी जो मेंटल सेटिस्फैक्शन होगा और उसको जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी कि उसकी जॉब सिक्योर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एम्प्लॉय को प्रोडक्टिव तरीके से काम करने के लिए। अगर वो प्रोडक्टिव तरीके से काम करेगा तो अल्टीमेटली किसको फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है? नाउ कमिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला प्रिंसिपल है स्पेशलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द होल वर्क ऑफ अ कंसर्न, ऑफ अ डिपार्टमेंट, ऑफ एन एक्टिविटी शुड बी डिवाइडेड अमंगस्ट द सबऑर्डिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस, अबिलिटीज एंड स्किल्स। इट इज थ्रू डिविजन ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन कैन बी अचीव्ड, विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। वही वाली बात कि अगर आप स्पेशलाइज तरीके से काम कराना चाहते हो किसी कंपनी में, तो आपको वही एम्प्लॉय चाहिए जो एक पर्टिकुलर स्किल सेट पे स्पेशलाइज्ड है या उसमें उसकी सबसे ज़्यादा पकड़ है, ठीक है? देन प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल द फंक्शंस इन अ कंसर्न शुड बी कंप्लीटली एंड क्लियरली डिफाइंड टू द मैनेजर्स एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। दिस कैन बी डन बाय क्लियरली डिफाइनिंग द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप्स ऑफ पीपल टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है? ये पता होना बहुत ज़रूरी है
कि क्या क्लैरिफिकेशन है किसी अथॉरिटी की और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या है उस अथॉरिटी के साथ। अगर ये डिफाइंड है प्रॉपर तरीके से तो कोई भी कंपनी को प्रॉफिट ही होगा हमेशा, मतलब इन द सेंस कि उसका जो काम जिसके लिए वो काम करना चाहते हैं कि उनको उनका एंड रिजल्ट्स पॉजिटिव में मीट अप करना चाहिए वो वैसा ही होगा इफ़ दिस प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन इज फॉलोड रिलीजियसली। देन वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन। राइट, स्पैन का मतलब होता है यहाँ पे एरिया, ठीक है, तो एक कंट्रोल का एरिया होता है कि वो कितना सुपरवाइज करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ स्पैन ऑफ कंट्रोल इज अ स्पैन ऑफ सुपरविजन विच डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट कैन बी हैंडल्ड एंड कंट्रोल इफेक्टिवली बाय अ सिंगल मैनेजर। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी एक सिंगल मैनेजर के अंडर कितने लोग आ सकते हैं एक टाइम पे जिनको वो प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए उसे स्पैन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, एज पर दिस प्रिंसिपल अ मैनेजर शुड बी एबल टू हैंडल वॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अंडर हिम हैज़ टू बी डिसाइडेड। यहाँ पे इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर मैनेजर या कोई भी एक अथॉरिटी पे जो इंसान काम कर रहा है उसके अंडर बिना किसी एफर्ट के या बिना किसी अनएम्बिगुइटी के या एम्बिगुइटी के अगर वो काम प्रॉपर तरीके से करा पा रहा है कुछ लोगों से जो उसके उसको रिपोर्ट करेंगे उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। ओके, दो तरीके के स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं, एक होता है वाइड एंड द अदर इज नैरो। अब वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वॉट कि इट इज़ वन इन विच मैनेजर कैन सुपरवाइज एंड कंट्रोल इफेक्टिवली अ लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन एट वन टाइम। ठीक है, वाइड जैसे नाम में वाइड मतलब ब्रॉड है, जो कंट्रोल है स्पैन ऑफ कंट्रोल वो ब्रॉड है। तो यहाँ पे फीचर्स क्या होंगे इसके कि जो ओवरहेड कॉस्ट है सुपरविजन की वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोगों को एक इंसान देख रहा है, ठीक है, और क्योंकि एक ही इंसान देख रहा है तो रिस्पॉन्स जो है एम्प्लॉयज़ का वो प्रॉम्प्ट होगा क्योंकि उनको एक इंसान को रिपोर्ट करना है। और इसी से क्या होगा, कम्युनिकेशन भी आपका प्रॉपर हो जाएगा बिकॉज ही इज़ द पीपल आर रिपोर्टिंग टू वन पर्सन। तो सुपरविजन प्रॉपर होगा, कोऑर्डिनेशन बेटर तरीके से हो जाएगा बिकॉज देर इज़ ओनली वन पर्सन जहाँ पे वो सबके सब लोग एक इंसान को रिपोर्ट कर रहे हैं। ओके, द थर्ड सेकेंड वन इज़ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। एज द नेम सजेस्ट द वर्क एंड अथॉरिटी इज डिवाइडेड अमंगस्ट मेनी सबऑर्डिनेट्स एंड अ मैनेजर डजंट सुपरवाइज एंड कंट्रोल अ वेरी बिग ग्रुप ऑफ पीपल। राइट, तो क्या मतलब हुआ, जैसे वाइड में हमने बताया था कि काफ़ी लोग एक मैनेजर के अंडर काम करते हैं उनको उसको रिपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है बेटर अपना कम्युनिकेशन हो जाता है, सुपरविजन कम होता है क्योंकि आपका मैनेज करने वाला इंसान एक ही है तो सुपरविजन कॉस्ट आपकी जो आप मैनेजर को दोगे हायर करने के लिए वो कम हो जाएगी बिकॉज देर इज़ ओनली वन पर्सन लुकिंग फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी बींग परफॉर्म बाय द सबऑर्डिनेट्स। अब नैरो स्पैन में क्या प्रॉब्लम है कि इसको इट रिक्वायर्स टाइट कंट्रोल एंड सुपरविजन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं क्योंकि आपके पास कम लोग हैं और आपने एक को रिपोर्ट करना है। ठीक है, आपकी जो लाइन है काम करने की वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाती है। बट इसका एक फ़ायदा क्या है, क्योंकि नैरो लोग कम लोग काम कर रहे हैं तो जो लोग काम कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड होंगे और उनको उनसे काम में इफेक्टिवनेस आएगी भले ही कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से ना हो पाए। राइट, नाउ विल कम टू प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि आपकी कमांड अथॉरिटी डिसाइडेड है, इट कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, जैसे पानी होता है ना, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हायर एरिया टू द लोअर एरिया, मतलब पानी का फ्लो होता है जहाँ पे आपका ज़्यादा एरिया मतलब आपके एलिवेशन में पानी होगा तो ऑब्वियसली नीचे ही आएगा पानी। वैसे ही जो ये स्केलर चेन का प्रिंसिपल बोलता है कि जो आपकी अथॉरिटी है, जो भी कमांड है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन या फिर डायरेक्शंस मिलेंगे, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप नहीं जाएंगे। इसका मतलब होता है यू हैव टू और दी जब द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, दे हैव टू फॉलो अ चेन ऑफ अथॉरिटी। ओके, इसमें क्या एडवांटेज है कि जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम्युनिकेशन अफेक्ट होगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क इज अवॉइडेड एंड ईजी ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस। क्यों? क्योंकि आपका एक नॉर्मल एक सिंगल फ्लो फ्लो ऑफ चैनल कम्युनिकेशन का वो चल रहा है, आपने एक तरीके एक ही जगह से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है, वहीं से ऑर्डर्स लेने हैं और सीधा अपने काम पे लग जाना है। ठीक है, द स्केलर चेन ऑफ कमांड फैसिलिटेट्स वर्क फ्लो इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ इफेक्टिव रिजल्ट्स। एज द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट क्लैरिफाइज द अथॉरिटी पोजिशंस टू मैनेजर एट ऑल लेवल एंड दैट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ओके, स्केलर चेन बोला ना हमने,
आपको टॉप टू बॉटम अथॉरिटीज़ मिलेंगी, टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन मिलेगा, तो आपको काम करना ईजी हो जाएगा क्योंकि आपके लिए सब कुछ पहले से डिफाइंड है. देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी मतलब यहाँ पे वन. ओके, इसका मतलब है कि वन सबॉर्डिनेट वन बॉस या फिर वन सुपीरियर. कोई भी सबॉर्डिनेट का हमेशा यहाँ पे एज पर दिस प्रिंसिपल इज आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस एट वन टाइम. ठीक है, इससे क्या होगा, इससे इफ यू आप सपोज अपनी बात लेके चलो, अगर आप कहीं का ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो एंड देर आर टू बॉसेस, तो आप ये देखोगे किसको रिपोर्ट करना है मैंने. एक पर्टिकुलर आपको प्रोजेक्ट मिला है एंड यू आर रिपोर्टिंग वन बॉस, द अदर बॉस विल से कि मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं करा. तो यहाँ पे एज पर दिस यूनिटी ऑफ कमांड, आप बींग ए सुपीरियर और बींग अ सबॉर्डिनेट, यू हैव टू रिपोर्ट टू वन पर्सन ओनली. या तो अगर आप सुपीरियर हैं तो आपको सिर्फ एक ही इंसान की, एक ही इंसान से मतलब है, वही आपको रिपोर्ट लेगा आपसे और वही उसको वही आप रिपोर्ट करोगे. इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपके कम्युनिकेशन गैप्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, फीडबैक एंड रिस्पॉन्स जो होगा वो प्रॉम्प्ट होगा. इससे क्या है कि इट हेल्प्स इन इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज फिजिकल फाइनेंशियल, जो हमने बातें की थी, तो उन सब का सिनर्जी में काम होगा. क्योंकि आपने एक इंसान को एक दूसरे इंसान को रिपोर्ट करना है, तो वहाँ पे क्या है कि इफेक्टिवनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी. राइट, नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पहला होता है फॉर्मल. फॉर्मल का मतलब होता है कि इट्स अ वेल स्ट्रक्चर, इट्स वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हर चीज़ पहले से डिफाइंड है. ओके, सो इट इज़ अ कॉन्शियस, आप कॉन्शियस तरीके से यू डिसाइड, यू डिटर्मिन करते हो कि पीपल हैव टू वर्क फॉर अ कॉमन पब्लिक गोल. कोई कंपनी को फॉर्मल क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि उसका जो गोल है किसी भी कंपनी का वो डिफाइंड है. हर इंसान, एवरी एम्प्लॉय दैट इज़ वर्किंग इन द कंपनी, उनका अपना अपना गोल नहीं होता. जो कोई भी जो वर्क एम्प्लॉय काम करता है किसी कंपनी में, दे हैव टू वर्क फॉर अ सिंगल गोल और सिंगल विजन या सिंगल ऑब्जेक्टिव, जो कि कंपनी का, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का है. ओके, तो कोई एक एजेंडा के थ्रू वो काम करते हैं कि उनको ये चीज़ अचीव करनी है. उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है, और वही सोच के, डिजायर्ड रिजल्ट सोच के ही काम किया जाता है. कमिंग टू इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब एज द नेम सजेस्ट कि वो पर्सनल एक ग्रुपिंग होती है, सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, जहाँ पे आपका कोई एजेंडा नहीं होता. यू जस्ट, और आप ना उसे कॉन्शियस तरीके से फॉर्म करते हो. जस्ट जैसा आप मान के चलो कि यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल, दैट्स ऑल्सो एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. राइट, आप किसी सोशल ग्रुप में हो, फ्रेंडशिप आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, जहाँ पे कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगता आपको एक पर्टिकुलर एजेंडा को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, दैट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ व्हाट वी डू इज, यहाँ पे हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं. द सेकेंड लेक्चर विल स्टार्ट विद लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ओनली. सो आई विल टेक योर लीव यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे. वी लीव दिस लेक्चर. ओके, थैंक यू.